शांति। आज 16 फरवरी 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम सभी सम्मुख बैठे हुए भाई बहने और गूगल मीट पर आए हुए भाई बहने और यूट्यूब पर लाइव और जो इसे बाद में घर बैठकर सुनेंगे, हम सभी का ये मुरली मंथन तभी है जब हम सबको कोई भी प्रश्न ना रहे, कोई भी बात अस्पष्ट ना रहे। यदि किसी को भी कोई बात अस्पष्ट है, मुरली में साथ साथ भी पूछ सकते हैं और यदि वो साथ में नहीं ली जा पाती तो अंत में भी पूछ सकते हैं, ताकि वो हर एक तक पहुंच जाए और सबको हर बात स्पष्ट हो जाए। जिनको ये मुरली हम सवेरे 6 बजे और साय 4 बजे करते हैं और दोनों टाइम YouTube का लिंक और Google Meet का लिंक वही रहता है और आप इस पर जुड़ सकते हैं। जिनके पास नहीं है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं या फिर नीचे दिखाई दे रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं तो हम उनके पास लिंक भेज देंगे, ताकि वे भी साथी बन के इसमें सहयोगी बने। आज की मुरली का सार, 16 फरवरी 2024, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे अब अशरीरी होकर घर जाना है, क्योंकि इस शरीर ने तो हमारे साथ घर चलना ही नहीं है, तो जाना है हम आत्माओं को। इसलिए जब भी किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई भाई समझ बात करो, देही अभिमानी रहने की मेहनत करो। देही अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी, मैं इस देह को चलाने वाली आत्मा हूं। देही, इस देह को चलाने वाली आत्मा, देह की मालिक आत्मा हूं। इस स्मृति में रहने की मेहनत करो, क्योंकि बार बार हमें याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि स्वयं को हम देह समझते हैं और सबको देह की दृष्टि से देखते हैं। ये भी हमें आदत 63 जन्मों से पड़ गई है, अब इस आदत को सुधारना है, इसलिए बाबा ने इसके लिए शब्द प्रयोग किया है मेहनत करो। ये मेहनत कब तक करनी पड़ेगी? ये मेहनत कब तक करनी पड़ेगी? अंत तक करनी पड़ेगी। अंत तक? बाबा को गुस्सा नहीं आएगा? क्योंकि मेहनत कब करनी पड़ती है? जब मोहब्बत नहीं होती। तो हम कब मोहब्बत करेंगे ताकि मेहनत खत्म हो? और किस से मोहब्बत करें जो मेहनत खत्म हो जाए? बाबा से मोहब्बत करें, बाबा से मोहब्बत हो जाएगी, बाबा की याद की आग लग जाएगी, फिर हम उसके सारे कहने मानेंगे, क्योंकि जिससे प्यार होता है उसका हर कहना मानना होता है। जब तक हम बाबा से मोहब्बत नहीं करेंगे तब तक हम उसका कहना पूरी रीति नहीं मानेंगे, ठीक है कि नहीं? तो अभिमानी, देही अभिमानी रहने की मेहनत करो, क्योंकि नए नए बच्चे हैं ना, परंतु मेहनत खत्म होगी जब हम बाबा से मोहब्बत कर लेंगे, फिर हम उनका कहना ही मानेंगे।
प्रश्न, भविष्य राज तिलक प्राप्त करने का आधार क्या है? सतयुग में हमें राज तिलक प्राप्त हो उसका आधार क्या है? उत्तर, पढ़ाई। हर एक को पढ़कर राज तिलक लेना है। हर एक को पढ़कर राज तिलक लेना है। बाप की है पढ़ाने की ड्यूटी। समझ में आ गया? परमात्मा कुछ नहीं करेगा सिवाय उसकी एक ही ड्यूटी है, और वो ड्यूटी भी है पढ़ाने की। इसके अलावा वो कुछ नहीं करता। रोते रहो, सिर पीट लो, सिर काट के ध्यानु भगत की तरह आगे रख दो, परंतु बाबा आपके लिए कुछ भी करने वाला नहीं है। वो सिर्फ एक ही काम करता है, पढ़ाने की ड्यूटी है। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। बाबा कहते मेरे से कोई आशीर्वाद नहीं मांगना। पूरा निश्चय है तो श्रीमत पर चलते चलो। सीधा दो टूक बात कर रहे हैं, सीधा सीधा निश्चय है तो श्रीमत पर चलते चलो। गफलत नहीं करनी, कोई भी लापरवाही नहीं हो। अगर मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ी तो नापास हो जाएंगे। मतभेद में आना कि ये इसकी बात आप सुनते हो, मेरी बात आप नहीं सुनते हो, कल से या तो ये क्लास करने आएगा या मैं आऊंगा, या तो इसको मना कर दो या फिर कल से मैं नहीं आऊंगा, अब आप फैसला कर लो। ये है मतभेद हो जाना, और मतभेद में फिर क्लास छोड़कर चले जाते हैं। बाबा कहते बच्चे ये आप सबका घर है, सभी पढ़ सकते हैं, हर एक अपनी रीति जितना समझेगा पढ़ेगा। आप उसके साथ अच्छा नहीं लगता बात मत करो, मेरे से तो नाराज नहीं हो ना। तुम्हारा झगड़ा आपस में भाई बहनों का, और मेरे से क्यों नाराज हो रहे हो? किसी भी प्रकार का मत भेद हो जाए, विचार अलग हो जाए, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। इसलिए बाबा कहते हाँ जी फेल हो गए, पास नहीं होंगे तो फेल होंगे ना। नहीं, द्वापर में तो नहीं जाएगा, आप जितना पुरुषार्थ किया है वैसा पद पाएगा ना। जितना सतयुग के लायक यदि उसने कुछ भी काम किया है तो सतयुग में आएगा। नहीं, स्वर्ग में आएगा, सतयुग में नहीं। हाँ, तो जितना उसने पाया, अब ज्ञान सुनेंगे भी वही ना, इस ज्ञान को सुनेंगे भी वही जिन्होंने सतयुग में आना है, स्वर्ग में आना है। जिन्होंने नहीं आना वो इसको सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने सतयुग में त्रेता में आना ही नहीं है। वो इनडायरेक्ट हम जैसे भाई बहनों से सुन करके समझ लेंगे ठीक है, क्योंकि वो तो धर्म पिताओं के द्वारा सुनेंगे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर करे। हाँ जी, मीठे बच्चे अपने ऊपर रहम करो, मीठे बच्चे अपने ऊपर रहम करो। आशीर्वाद मांगनी नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान दो। जितना अच्छी तरह पढ़ेंगे, अपने चरित्र को सुधारेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। ओम शांति। सुप्रीम टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, और बच्चे जानते हैं परम पिता परम आत्मा पिता भी है, टीचर भी है, ऐसा तुमको पढ़ाते हैं। वो हमारा पिता भी है तो हमारा टीचर भी है, ऐसा तुमको पढ़ाते हैं, जो और कोई पढ़ा ना सके, जो दूसरा पढ़ा ही नहीं सकता। तुम कहते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। अब ये बाबा कोई एक का नहीं है, मन मना भाव,
अपने मन को बैठकर मनाओ और बन जाओ जो बाबा चाहते हैं। मध्याजी भाव विष्णु चतुर्भुज को याद करो और बन जाओ, क्योंकि हमने विष्णु चतुर्भुज बनना है और बनेंगे तब जब हम विष्णु चतुर्भुज चारों अलंकारों को अपने जीवन में धारण करेंगे। इसका अर्थ समझाते हैं, मुझे याद करो, मामेकम याद करो। बच्चे तो अब समझदार हुए हैं। बेहद का बाप कहते हैं, तुम्हारा वर्षा तो है ही, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। बाप आत्माओं से ही बातें करते हैं। अभी तुम जीव आत्माएं हो ना, अभी तुम कौन हो, जीव आत्माएं हो ना। बेहद का बाप भी निराकार है, तुम जानते हो, इस तन द्वारा वे हमको पढ़ा रहे हैं। और कोई ऐसे नहीं समझेंगे। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तो कहेंगे लौकिक टीचर लौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं, लौकिक टीचर लौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं, और ये है पारलौकिक सुप्रीम टीचर जो परम शिक्षक है। और किसको पढ़ाते हैं? पारलौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं। ये पारलौकिक बच्चे कौन से हैं? पारलौकिक बच्चे किसे कहेंगे? पारलौकिक बच्चे किसे कहेंगे? आत्माओं को। सारी आत्माएं परम धाम से आई हैं और आत्माओं को कहेंगे पारलौकिक बच्चे। तुम भी परलोक मूल वतन के निवासी हो और बाप भी परलोक मूल वतन का निवासी है। बाप कहते हैं, हम भी शांति धाम के निवासी हैं और तुम भी वहां के ही निवासी हो। कहां के निवासी हैं? हम परम धाम के, शांति धाम के। हम दोनों एक धाम के रहवासी हैं, बाबा भी और हम आत्माएं भी। हम क्या हुए फिर एक घर के रहने वाले? आत्मा बाबा के साथ भी नहीं, सिर्फ बाबा बाप है। वहां बाबा क्या लगेगा हमारा? हां जी, वहां बाप लगेगा। हम पूछेंगे, बाबा आप कहां हो? कोई नहीं पूछेगा ना। बाबा पूछेगा कि तुम आत्माएं कहां हो, ना हम बाबा को पूछेंगे बाबा कहां हो, सोए पड़े हो, नींद आई है, आराम से है कि नहीं है, ना हम पूछेंगे ना बाबा पूछेगा। क्या रिश्ता होगा ऐसा हमारा? सोचो बैठ करके कि यह हमारा क्या रिश्ता होगा बाबा के साथ। हम सारे एक साल भी कम से कम एक साल तो सारी आत्माएं इकट्ठी रहेंगी परम धाम में। हम एक सेकंड भी एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। वो भी परम अवस्था में, हम भी परम अवस्था में, हमारा आपस में कोई संबंध नहीं होता। हम हैं परंतु वहां हम सुप्रीम सोल कहां क्या कर रही है, क्या पढ़ी है, हम कहां पढ़े हैं, हम क्यों पढ़े हैं, हमें संकल्प नहीं, बाबा को भी संकल्प नहीं, फिर हमारा क्या रिश्ता? हम ना एक दूसरे के सुख दुख में काम आ सकते। वहां कोई सुख दुख भी नहीं है। वहां बाढ़ भी नहीं आती, भूकंप भी नहीं आते, बिजली भी नहीं जाती। सोचो ऐसी दुनिया जहां कुछ भी हमारा मतलब एक्ट नहीं है। इसलिए बाबा कहते परम धाम की हिस्ट्री नहीं है, परम धाम की एक्टिविटी कोई नहीं, उसका कोई इतिहास नहीं, उसमें कोई ड्रामा नहीं, क्योंकि उसमें हम आत्माएं और हम आत्माओं का पिता परमात्मा एकदम साइलेंस में है। तुम अपने को आत्मा समझो, मैं परम आत्मा हूं। अभी तुम यहां पार्ट बजा रहे हो, पार्ट बजाते बजाते तुम अभी क्या बन गए?
पतित बन अपने गुणों और शक्तियों को क्षय कर दिया है। ये सारा बेहद का मांडवा है। ये सारा क्या है? बेहद का मांडवा है, जिसमें खेल होता है। जिसमें क्या होता है? खेल होता है। ये सारी सृष्टि कर्म क्षेत्र है। ये संसार क्या है? कर्म क्षेत्र। हम परम धाम से इस कर्म क्षेत्र पर आए हैं। जो गीता है दुनिया वाली, उसी में भी लिखा गया कुरुक्षेत्रे कर्म क्षेत्रे। और हम आत्माएं कहां आए हैं? कर्म करने वाले धरती पर आए हैं। परम धाम में कोई एक्शन नहीं, और यहां आकर हम एक्शन के बिना रह नहीं सकते, क्योंकि सांस लेना भी कर्म है, उठना बैठना देखना भी कर्म है, और इसमें खेल हो रहा है। ये नाटक इसी में चल रहा है। ये भी सिर्फ तुम ही जानते हो कि ये बेहद का खेल है। ये क्या है? बेहद का खेल। ये एक संपूर्ण नाटक है। बेहद का खेल का मतलब क्या है? कंप्लीट नाटक है, जिसमें कोई भी एक्शन के बिना नहीं है। यहां पर सभी एक्शन में है, सभी कर्म कर रहे हैं। इसमें दिन और रात भी होते हैं, सूर्य और चांद भी। इतनी बेहद की रोशनी हो देते हैं। ये बेहद की बात है। ये क्या है? बेहद की बात है। अभी तुमको ज्ञान भी है, रचता ही आकर रचना, रचता ही आकर रचता अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। बाप कहते हैं तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाने आया हूं। क्या करने आया हूं? तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाने आया हूं। ये पाठशाला है। पढ़ाने वाला अभोक्ता है। पढ़ाने वाला कैसा है? अभोक्ता। हम सारे भोगी। जिसने भी शरीर ले लिया वो सब भोगी। एक परमात्मा है जो कभी शरीर नहीं लेता, उसे कहते हैं अभोक्ता। ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि हम अभोक्ता हैं। अहमदाबाद में एक साधु ऐसे कहता था कि हम कुछ नहीं खाते हैं, परंतु बाद में ठगी पकड़ी गई। इस समय ठगी भी बहुत निकल पड़ी है। वेशधारी बहुत हैं, इनको तो कोई वेश है नहीं, इनको तो कोई वेश, इनका तो शरीर ही नहीं है। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, तो आजकल कितने श्री कृष्ण बन पड़े हैं। अब इतने श्री कृष्ण तो होते नहीं। यहां तो तुमको शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, आत्माओं को सुनाते हैं। तुमको बार बार कहा गया है कि अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को सुना। अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को सुनाओ। आत्मा भाई को ही सुनाना है। बुद्धि में रहे बाबा की नॉलेज हम भाइयों को सुनाते हैं। मेल या फीमेल, चाहे वो स्त्री हो तो चाहे वो पुरुष हो, वो कौन है? भाई। चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, शरीर स्त्री पुरुष का है, परंतु आत्मा रूप में तो हम सब भाई भाई हैं। दोनों भाई भाई हैं। इसलिए बाप कहते हैं तुम सब मेरे वर्षे के हकदार हो। तुम मेरे वर्षे के क्या हो? अधिकारी हो, मालिक हो। वैसे फीमेल को वर्षा नहीं मिलता। पहले था जब ये मुरली चलाई, उस समय स्त्रियों को लड़कियों को बाप की जायदाद में वर्षा नहीं मिलता था, क्योंकि उनको ससुर घर जाना है। यहां तो है ही सब आत्माएं, अशरीरी होकर जाना है, क्योंकि शरीर तो यहां छोड़कर जाना है।
घर। अभी जो तुमको ज्ञान रत्न मिलते हैं ये अविनाशी रत्न बन जाते हैं। आत्मा ही ज्ञान का सागर बनती है ना, आत्मा ही सब कुछ करती है, परंतु मनुष्यों को देह अभिमान होने के कारण देही अभिमानी बनते नहीं है। अब तुमको देही अभिमानी बन एक बाप को याद करना है, कुछ तो मेहनत चाहिए ना, लौकिक गुरु को कितना याद करते हैं, मूर्ति रख देते हैं, अब कहां शिव का चित्र, कहां मनुष्य का चित्र। रात दिन का फर्क है, वे गुरु का फोटो पहन लेते हैं, गले में डाल लेते हैं, पति लोगों को अच्छा नहीं लगता कि दूसरों का फोटो पहने, हां शिव का पहनेंगे तो वे सबको अच्छा लगेगा, उस पे कोई ऐतराज नहीं करेगा, क्योंकि वे तो परम पिता है। वे परम पिता का लॉकेट पहनेंगे तो किसी को ऐतराज नहीं होगा, तो उनका चित्र तो होना चाहिए ना, परमात्मा है तो उनका चित्र तो होना चाहिए। ये गले का हार बनाने वाला है, जो शिव बाबा का लॉकेट हमने गले में डाला है, ये गले का हार बनाएगा। किसके गले का हार बनाएगा? रुद्र माला के मण के बनेंगे, मोती बनेंगे। रुद्र माला के तुम क्या बनेंगे? मोती बनेंगे। क्योंकि जो गले में डालेंगे, गले में डालना माना हमें उससे प्यार है, जिसका माला हम गले में डालेंगे इसलिए कि हमें उससे प्यार है, और प्यार है तो सबूत भी देना पड़ेगा। क्या सबूत है प्यार का? हमें शिव बाबा से प्यार है, उसका सबूत क्या है हमारे पास? हार तो डालना नहीं है, सबूत दो भाई। हाँ जी, हाँ, यदि हम उसकी श्रीमत पर चल रहे हैं तब हमें प्यार है, यदि हम उसकी श्रीमत पर नहीं चल रहे तो हमें उनसे प्यार नहीं है। तुम रुद्रमाला का मोती बनेंगे, यूं तो सारी दुनिया रुद्रमाला में आती है, रुद्रमाला में सभी आत्माएं आएंगे। एक नई बात है, आगे ध्यान से समझना, प्रजापिता ब्रह्मा की माला भी है, नई माला है ना, पहले कभी आई है ये माला? हम आई तो होगी पर तो हमने ध्यान नहीं दिया। रुद्रमाला देखी, विष्णु की माला भी देखी, विष्णु की माला में कौन आते हैं, विष्णु की माला को क्या कहते हैं, विष्णु की माला का क्या नाम है भाई? वैजंती माला। और वैजंती माला में कौन आते हैं? जो विजयी होते, ₹108। फिर दूसरे भी आते हैं, 16,000 वाले, फिर 9 लाख वाले, फिर 2 करोड़ वाले, फिर 33 करोड़ वाले। मतलब कहने का है कि वैजंती माला में कई बातें हैं, कई प्रकार की हैं, पहले नंबर की, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की। तो इसी प्रकार हमें बहुत ध्यान से समझना है, प्रजापिता ब्रह्मा की माला भी है, उसमें कौन आएंगे? हम बच्चे आएंगे, कौन से बच्चे आएंगे? हाँ जी, ब्रह्मा कुमारियां। अच्छा, प्रजापिता किसका पिता है? प्रजापिता सभी जीवात्माओं का। तो प्रजापिता के गले में भी सभी जीवात्माएं आएंगी,
शिव बाबा के गले में सारी आत्माएं आएंगी और प्रजापिता ब्रह्मा के गले में सभी जीव आत्माएं आएंगी। दोनों बेहद के बाप हैं। अब दोनों में अंतर क्या मिला जरा बताओ। और कोई अंतर बताओ। ये तो समझ में आ गया है, तो हम पुराना जानते थे कि शिव बाबा सर्व आत्माओं का पिता है और प्रजापिता ब्रह्मा सभी मनुष्य जीव आत्माओं का पिता है, पशु पक्षियों की जीव आत्माओं का नहीं। हमें बहुत ध्यान से समझना है, शिव बाबा सारे यूनिवर्स की हर आत्मा का, चाहे वो पशु है, पक्षी है, जीव है, जंतु है, कोई भी है, सर्व आत्माओं का पिता है। सारी आत्माएं परम अवस्था में जाती हैं जब ये सृष्टि का परिवर्तन होता है, सफाई होती है, परंतु ब्रह्मा जो है, प्रजापिता ब्रह्मा, सभी जीव आत्माओं का पिता है, एक आत्मा को छोड़कर, एक आत्मा को छोड़कर। ब्रह्मा सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जीव आत्माओं का पिता है, परमात्मा भी एक आत्मा है और पशु पक्षी की भी क्या है, सब आत्माएं हैं। उन आत्माओं को का पिता ब्रह्मा नहीं बनता। मतलब हमें बहुत अच्छी तरह से ये अंतर अपनी बुद्धि में रखना है कि सभी मनुष्य जीव आत्माओं का पिता है प्रजापिता ब्रह्मा, बाकी सबका शिव बाबा सभी आत्माओं का। परमात्मा का तो पिता नहीं हो सकता ना, क्योंकि उसके पास जीव नहीं है ना। हाँ जी, स्वयं की आत्मा उसका पिता नहीं है, वो भी तो जीव आत्मा है। हाँ, उसका अपना भी नहीं है, स्वयं का भी पिता नहीं है। हाँ, स्वयं का भी पिता नहीं है और परम पिता परमात्मा भी आत्मा है, उसका भी पिता नहीं है। पशु पक्षी जीव जंतु की भी आत्माएं हैं, उनका भी पिता नहीं है। पशु पक्षी जीव, क्योंकि ब्रह्म प्रजापिता ब्रह्मा केवल मनुष्य जीव आत्माओं का पिता है। प्रजापिता ब्रह्मा की माला भी है, ऊपर में सिजरा है, वो है हद का सिजरा, वो है हद का सिजरा, और ये है बेहद का सिजरा। जो भी मनुष्य मात्र हैं, मतलब ब्रह्मा बाबा वाला सिजरा क्या हो जाएगा, हद का, और शिव बाबा का सिजरा क्या हो जाएगा, बेहद का। और जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब की माला है, सब की माला है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, बिल्कुल छोटी बिंदी है। ऐसे ऐसे बिंदी देते जाओ तो अनगिनत हो जाएंगी, ऐसे ऐसे बिंदी लगाते जाओ तो क्या हो जाएंगी, अनगिनत हो जाएंगी। गिनती करते करते थक जाएंगे, परंतु देखो आत्मा का झाड़ कितना छोटा है, आत्माओं का झाड़ कितना छोटा है। देखा है ना, परम धाम में ऊपर, सबसे ऊपर परम पिता परमात्मा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा, फिर लक्ष्मी नारायण की आत्मा। अभी वो तीन बिंदियों वाला हटा दिया है, अब सिर्फ कौन सा रह गया है, कौन सा रह गया है, सिर्फ एक दो बिंदियों वाला रह गया है, ठीक है, दो बिंदियों वाला, जिसमें मतलब दिखाते हैं शिव बाबा, जो परम धाम का चित्र है उसके अंदर क्या दिखाते हैं, अब ये जो परम धाम का चित्र है इसके अंदर हम देख रहे हैं, सिर्फ ऊपर परम पिता परमात्मा दिखाते हैं और फिर दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर की जगह पर, अब सिर्फ दो ही चित्र दिखाते हैं। हम ये देख रहे हैं,
सिर्फ एक बिंदी है ऊपर, परमपिता परमात्मा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये दो बिंदियां सिर्फ इसमें दिखाई हैं, और उसके बाद जो है सारी आत्माओं को दिखाया है। तो हमें समझ में आ रहा है कि परमपिता परमात्मा के बाद दूसरा नंबर किसका है, ब्रह्मा का, और सरस्वती भी ब्रह्मा की बेटी है, सरस्वती भी ब्रह्मा की बेटी है। ब्रह्मा ब्रह्म तत्व में बहुत थोड़ी जगह में रहते हैं। अब ये जो इतना बड़ा झाड़ दिखाया है, ये भी बाबा कहते बहुत थोड़ी जगह में रहते हैं। अब इसको स्पेस, जगह को हम अंग्रेजी में स्पेस कहते हैं, ठीक है। अब उसे कोई ना कोई स्पेस तो चाहिए, परंतु बाबा कहते कि मैं आकाश से भी पार हूं, परमधाम इस सूरज चांद तारे आकाश से भी पार है। और उसके बाद बाबा ने शब्द प्रयोग किया है जहां कुछ भी नहीं है, वो थोड़ी सी जगह भी, वो वहां कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे हिसाब से कुछ भी नहीं है, परंतु वो है। जैसे आत्मा, आत्मा इतनी छोटी है जिसे कोई दुनिया के कोई तत्व, पांचों तत्व क्रॉस होने से नहीं रोक सकते, परंतु फिर भी वो है, तो उसका कोई रूप तो है ना। बाबा ने कहा कि मुझे निराकार नहीं कह सकते, मेरा आकार है, ये नहीं कह सकते कि मेरा कोई आकार नहीं, मेरा कोई रूप नहीं, मेरा रूप है, रूप है तो उसका स्थान भी होगा। कुछ नहीं में वो स्थान दिखाया है, नहीं, ये आपके लिए तो ठीक है कि हवा का रूप नहीं है, आकाश का रूप नहीं है, परंतु साइंस इस बात को प्रूव करती है कि हवा भी स्थान को लेती है, आकाश भी स्थान को लेता है। जहां हवा आ गई वहां धूल रेत कण, ये जो छोटे छोटे परमाणु, ये सब होते हैं। अब जहां वो है तो वहां आकाश नहीं है, आकाश मीन्स जहां कुछ नहीं। तो बाबा ने जो शब्द यूज किया है मुरली में, जहां कुछ नहीं, मीन्स हमारे जाने से आकाश में भी कोई फर्क ना पड़े, पानी में भी कोई फर्क ना पड़े, पत्थर में भी कोई फर्क ना पड़े, अग्नि में भी कोई फर्क ना पड़े, या इन पांचों तत्वों का हमारे ऊपर भी कोई फर्क ना पड़े, ना हम उनको कम करें, ना उनको कंप्रेस करें, ना ही हमारे ऊपर कोई फर्क पड़े कि हम इतने कंप्रेस हो जाएं वहां जाने के बाद। तो हम इतना सूक्ष्म है, परंतु है तो सही ना। अब वो कितने सूक्ष्म है उसको हम अपने किसी भी फार्मूले में बता नहीं सकते, उसके साइज को हम वर्णन नहीं कर सकते, वो इतना छोटा है। क्योंकि आज तक की हमारी कोई अध्ययन ऐसा नहीं है विज्ञान का, क्योंकि विज्ञान ने सूर्य के एक किरण को नाप दिया, उसका नाम फोटोन रख दिया, उस किरण की स्पीड को नाप दिया कि सूर्य से पृथ्वी पर आने में उसको 8 मिनट लग जाते हैं, उस एक किरण को सूर्य से यहां आने में, और हम आत्मा को सूर्य पर जाने के लिए एक ही सेकंड के अंदर, उसी सेकंड के अंदर हम वहां पहुंच जाते हैं। और हमारी जो घड़ी है वो 1 सेकंड को भी 100 हिस्सों में बांट देती है। हमने ये घड़ी बना दी कि एक सेकंड के भी 100 पार्ट्स बना दिए, ठीक है, परंतु आत्मा उससे भी पहले वहां पहुंच जाती है। तो हमने देखना है, उसको समय की सीमा नहीं है। ब्रह्म तत्व में बहुत थोड़ी जगह रहती है, वे फिर यहां आती है पार्ट बजाने, तो यहां फिर कितनी लंबी चौड़ी दुनिया है। हां जी, सभी सभी एक जगह रहती है ना। अब ये एक जगह वो क्या है, ये तो अभी तक निश्चित नहीं है ना।
जैसे बताया कि लड़की तो सभी एक जगह ही है, थोड़ी है कि कोई एक तो यहाँ रह रही है, एक उधर रह रही है, उधर रह रही है। भाई जी बात यह है ना कि वो इतनी अरे बाबा मैंने बताया, मेरी जो समझ में आया कि जीरो प्लस जीरो जीरो, तो जितनी जितनी भी आत्माएं हैं उनको स्पेस तो जीरो ही चाहिए ना, वो इकट्ठी हो जाए जहां जाए। और जैसे हमने परम धाम की कल्पना की है, डायग्राम बनाए हैं सारे सब कुछ, तो वो भी यही दिखाते हैं कि यही जगह रहती है ना, वो तो बड़ा दिखा दिया मेरे भाई। बात सारी ये समझने वाली है कि वो स्थान हम कोई निश्चित नहीं कर सकते, वो सारी कहां रहती हैं, जहां भी रहती हैं वहां जाने में एक सेकंड का लाखवां हिस्सा भी, क्योंकि विज्ञान ने तो एक सेकंड को 100 पार्ट्स दिए, एक सेकंड का लाखवां हिस्सा भी बहुत है, इससे पहले वो जब चाहे जहां चाहे पहुंच सकती हैं। तो उन्हें परम धाम जो भी स्पेस है नहीं, परंतु वो कहीं भी पहुंच सकती है, उसके लिए हम ये कहें कि वहां कहां है वो जगह नहीं मालूम। ये तो बात ठीक है, तो वहां फिर एरोप्लेन आदि की दरकार नहीं, हमें कोई हवाई जहाज तो ना चाहिए वहां जाने के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। आत्माओं का छोटा सा झाड़ है, यहां मनुष्यों का कितना बड़ा झाड़ है, ये सब है प्रजा पिता ब्रह्मा की संतान, जिसको कोई एडम और कोई आदि देव कहते हैं उसको एडम कह देते हैं, आदम कह देते हैं, आदि देव कह देते हैं। मेल फीमेल तो जरूर है, तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग का खेल होता नहीं। एक हाथ से क्या होगा, एक हाथ से क्या होगा, दोनों पहिए चाहिए, युगल चाहिए ना, दोनों पहिए चाहिए, दो हैं तो आपस में रेस करते हैं, दूसरा पहिया साथ नहीं देता है तो ढीले पड़ जाते हैं, परंतु एक के कारण ठहर नहीं सकते, ठहर नहीं जाना चाहिए, यदि एक नहीं चल रहा तो दूसरे को रुक नहीं जाना चाहिए। पहले पहले पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, सतयुग था तो हमारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, फिर होता है अपवित्र, गिरते ही जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, ये झाड़ कैसे बढ़ता है, कैसे एडिशन होती है, होती जाती है, ऐसा झाड़ कोई निकाल ना सके। कोई की बुद्धि में रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज है ही नहीं, मतलब किसी के अंदर भी रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज है ही नहीं। इसलिए बाबा ने कहा कहा था ये लिखो कि हमने रचता द्वारा रचता और रचना की नॉलेज का अंत पाया है। वे तो ना रचना को जानते ना रचता को जानते, अगर परंपरा ये ज्ञान चला आता तो कोई बतावे, यदि ये ज्ञान परंपरा से चला आता है तो कोई बतावे, बतावे ना। सिवाय तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों के कोई बता ना सके, तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों के सिवाय कोई नहीं बता सकता। तुम जानते हो हम ब्राह्मणों को ही परम पिता परम आत्मा पढ़ाते हैं, हम ब्राह्मणों का ही ऊंचे से ऊंचा धर्म है, चित्र भी जरूर दिखाना पड़ता है, चित्र बिगर कब बुद्धि में बैठेगा नहीं, चित्र बहुत बड़े बड़े होने चाहिए, वैरायटी धर्मों का झाड़ कैसे बढ़ता है ये भी समझाया जाता है। आगे तो कहते थे हम तो आत्मा, हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा, अब बाप ने इसका भी अर्थ बताया है, इस समय हम सो ब्राह्मण हैं, इस समय हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे, फिर हम सो देवता बनेंगे नई दुनिया में, अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, अर्थात ये है पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। ये सब तुम समझा सकते हो, रचता और रचना का अर्थ, हम सो का अर्थ, ओम
अर्थात मैं आत्मा। फर्स्ट, फिर ये शरीर है, आत्मा अविनाशी और ये शरीर विनाशी है। हम ये शरीर धारण कर पाठ बजाते हैं, इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी। हम आत्मा फलाना पाठ बजाती हैं, हम आत्मा पाठ बजा रही हैं, हम आत्मा ये करती हैं, हम आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं। कितना वंडरफुल ज्ञान है, ये ज्ञान बाप में है, ये ज्ञान बाप में ही है, इसलिए बाप को ही बुलाते हैं, वो आकर के हमें हर कल्प ये ज्ञान समझाते हैं। बाप है ज्ञान का सागर, उनकी भेंट फिर है अज्ञान के सागर। उनकी भेंट में क्या है? अज्ञान का सागर। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है अज्ञान, आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है अज्ञान। ज्ञान का किसी को पता ही नहीं, वो तो बीत गया ना, वो तो सतयुग त्रेता में था ना। अब ये ज्ञान तो किसी को पता ही नहीं। ज्ञान कहा जाता है रचता द्वारा, ज्ञान किसे कहा जाता है? रचयिता द्वारा रचना को जानना। तो जरूर रचता में ही ज्ञान है, वही आकर के रचना का ज्ञान देगा, इसलिए उनको क्रिएटर कहा जाता है, शिव बाबा को रचयिता कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं क्रिएटर ने ये रचना रची है, बाप समझाते हैं मैंने नहीं रची, ये अनादि, ये तो अनादि बना बनाया खेल है। कहते हैं पतित पावन आओ, तो रचता कैसे कहेंगे? लाइन समझ में आई है? बाबा की लाइन समझो, बाबा कहते तुम कहते हो पतित पावन आओ, हे रचयिता आओ नहीं कहते हो, पतित से पावन बनाने वाले आओ, मैं आकर तुम्हें पतित से पावन बनने की पढ़ाई पढ़ाता हूं, मैं रचयिता नहीं हूं। यदि मैं रचयिता हूं तो तुम बुलाते रचयिता आओ, क्योंकि तुम पहले थे परंतु पतित थे, मैंने आकर तुम्हें पतित से पावन बनने की विधि सिखाई ना, रास्ता दिखाया, पढ़ाया ना, क्योंकि मेरा काम तो सिर्फ पढ़ाना है। रचता तब हो जब परले हो जाए, फिर मैं बैठकर एक एक खिलौना बनाऊं। समझ में आई है बात को? मैं तो बनाता नहीं हूं ना, तुम तो थे पहले से, तुम आत्माएं भी थी, ये प्रकृति भी थी, और इस प्रकृति को रचना भी तुम जानते थे कैसे शरीर बनाना है, ठीक है नहीं? मैंने तो आकर सिर्फ तुम पतित बनी हुई आत्माओं को पावन बनने की विधि थी। बाप तो पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। तो ये सारे विश्व का जो झाड़ है, उनके आदि मध्य अंत को तो मीठे मीठे बच्चे ही जानते हैं, जैसे माली हर एक बीज को और झाड़ को जानते हैं। वो बीज को देखकर बताएगा ये किस झाड़ का बीज है, हमें नहीं पता लगेगा कि किस चीज का बीज है, कौन से पौधे का बीज है, पर तो माली को पता होता है कि ये किस झाड़ का बीज है, ठीक है ना? और बीज को देखने से उसको सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है, बीज को देखते ही झाड़ उसकी बुद्धि में आ जाता है कि इसका पेड़ कैसा होता है। तो यह है ह्यूमैनिटी का, मनुष्य सृष्टि का बीज। उन्हें कोई नहीं जानते, उन्हें कोई नहीं जानते, गाते भी हैं परम पिता परम आत्मा सृष्टि का बीज रूप है, सत चित आनंद स्वरूप है, सुख शांति पवित्रता का सागर है। तुम जानते हो ये सारा ज्ञान परम पिता परमात्मा इस शरीर द्वारा दे रहे, ये सारा ज्ञान परम पिता परमात्मा इस शरीर द्वारा दे रहे हैं। तो जरूर यहां आएंगे ना, तो जरूर यहां आएंगे ना। पतितों को पावन प्रेरणा से कैसे बनाएंगे, पतितों को पावन प्रेरणा से कैसे बनाएंगे?
तो बाप यहां आकर सबको पावन बनाकर ले जाते हैं, यहां आकर सबको पावन बनाकर ले जाते हैं। वे बाप ही तुमको पाठ पढ़ा रहे हैं। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, ये है पुरुषोत्तम संगम युग। इस पर तुम भाषण कर सकते हो कि कैसे पुरुष तमो प्रधान से श्रेष्ठ सतो प्रधान बनते हैं। तुम्हारे पास टॉपिक तो बहुत है, तुम्हारे पास टॉपिक तो बहुत है। ये पतित तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान कैसे बनती है, ये भी समझने लायक, ये भी समझने लायक है। आगे चलकर तुम्हारा ये ज्ञान सुनेंगे, तुम्हारा ये ज्ञान सुनेंगे, बल छोड़ भी देंगे, फिर आएंगे, छोड़कर जाएंगे का फिर आएंगे, क्योंकि गति सद गति की हट्टी एक ही है। तुम कह सकते हो कि सर्व का सद गति दाता एक बाप ही है। उनको श्री श्री कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, श्री श्री कहते हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है परम पिता परम आत्मा। सबसे श्रेष्ठ कौन है, परम पिता परम आत्मा। वो हमें श्रेष्ठ बनाते हैं। श्रेष्ठ है सतयुग, श्रेष्ठ क्या है, सबसे अच्छा कौन है, सतयुग। भ्रष्ट है कलयुग, कहते भी हैं भ्रष्टाचारी हैं, कहते भी हैं भ्रष्टाचारी हैं, परंतु अपने को नहीं समझते। पतित दुनिया में एक भी श्रेष्ठ नहीं, पतित दुनिया में एक भी श्रेष्ठ नहीं। श्री श्री जब आए तब आकर श्री बनाए। श्री का टाइटल सतयुग आदि में देवताओं का था, देवताओं के साथ श्री लगता था, श्री लक्ष्मी श्री नारायण। यहां तो सबको श्री श्री कह देते हैं, सबको डबल श्री भी लगा देते हैं। वास्तव में श्री अक्षर है ही पवित्रता का, जो पवित्र है उसके साथ श्री लगेगा। दूसरे धर्म वाले कोई भी अपने को श्री नहीं कहते, मतलब भारत के अंदर श्री लगाते हैं, परंतु दूसरे धर्म वाले हैं वो अपने साथ कोई श्री नहीं लगाते। श्री पोप कहेंगे नहीं, यहां तो सब को कहते रहते हैं। कहां हंस मोती चुगने वाले और कहां बगुले गंध खाने वाले, दोनों सफेद होते हैं। अब बगले को भी हंस कह दो तो गलत हो जाएगा ना, फर्क तो है ना। ये देवताएं हैं फूल, वे है गार्डन ऑफ अल्लाह। बाप तुमको फूल बना रहे हैं, बाकी फूलों में वैरायटी है। सबसे अच्छा फूल है किंग फ्लावर, सबसे अच्छा फूल है किंग फ्लावर। इन लक्ष्मी नारायण को नई दुनिया का किंग क्वीन फ्लावर कहेंगे, नई दुनिया का किंग क्वीन फ्लावर कहेंगे। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए, इसमें बाहर का कुछ करना नहीं, बाहर का कुछ करना नहीं होता। ये बत्तियां आदि जलाने का भी अर्थ चाहिए, ये बत्तियां आदि जलाने का भी क्या चाहिए, अर्थ चाहिए। शिव जयंती पर जलानी चाहिए या दिवाली पर, या कब जलानी चाहिए, या दिवाली पर। दिवाली पर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, दिवाली पर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं, उनसे क्या मांगते हैं, पैसे मांगते हैं। जबकि भंडारा भरने वाला तो शिव भोला भंडारी है,
भंडारा भरने वाला कौन है? शिव भोला भंडारी है। तुम जानते हो शिव बाबा द्वारा हमारा अखुट खजाना भर जाता है। शिव बाबा द्वारा हमारा अखुट खजाना भर जाता है। ये ज्ञान रत्न धन है। ये ज्ञान रत्न क्या है? सबसे बड़ा खजाना है। वहां भी तुम्हारे पास अथाह धन रहता है। नई दुनिया में तुम माला माल हो जाएंगे। नई दुनिया में तुम क्या हो जाएंगे? माला माल हो जाएंगे। सतयुग में ढेरों के ढेर हीरे जवाहर थे, फिर वही होंगे, फिर वही हीरे होंगे जो सतयुग में हमारे पास थे। मनुष्य मूझते हैं, कहते ये कैसे हो सकता है, ये सब खत्म होगा फिर कहां से आएगा। ये जो सारी खानियां खुद गई, पहाड़ियां सारी टूट गई, मार्बल निकाल निकाल करके हमने घरों में लगा दिया, पत्थर काट काट करके हमने घरों में लगा दिए, रोड़ियां काट काट के पत्थर सड़कें बना दी, फिर कैसे होंगी, फिर कैसे होंगी। वो सारी रोड़ियां सारा सामान वापस अपनी जगह पर जाएगा, फिर अगले कल्प में सड़क बनाने के लिए दोबारा वापस वापस दोबारा आएगा ना, क्या वही रखा रहेगा? वापिस आएगा, क्योंकि हु बहु होना है। बोलो, हिस्ट्री रिपीट होती है ना, जो कुछ था सो फिर रिपीट होगा। तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो, किस चीज का? स्वर्ग का मालिक बनने का। स्वर्ग की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होगी। गीत में है ना, आपने सारी सृष्टि, सारा समुद्र, सारी पृथ्वी हमको दे दी है, हमको दे दी है, जो कोई हमसे छीन नहीं सकता, उसकी भेंट में अब क्या है? जमीन के लिए, पानी के लिए, भाषा के लिए लड़ते रहते। किस लिए लड़ाइयां चल रही हैं? भाषा के लिए, जमीन के लिए, पानी के लिए। स्वर्ग के रचता बाबा का जन्म मनाया जाता है, जरूर उसने स्वर्ग की बादशाही दी दी होगी ना। अब तुमको बाप पढ़ा रहे हैं, तुमको इस शरीर के नाम रूप से न्यारा हो, अपने को आत्मा समझना है, पवित्र बनना है, या तो योग बल से, या तो सजाएं खाकर, या तो योग बल से, या तो सजाएं खाकर, फिर पद भी कम हो जाता है, फिर पद भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना, हम इतना मर्तबा पाते हैं, टीचर ने इतना पढ़ाया है, फिर टीचर को भी सौगात देते हैं, टीचर को भी गिफ्ट देते हैं ना, सौगात देते हैं। ये तो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम फिर भक्ति मार्ग में उनको याद करते रहते हो। बाकी बाप को आप सौगात क्या देंगे? कभी कभी सौगात मांग लेता है बाबा, क्या देंगे? तो जो कुछ देखते हो वे तो रहना नहीं है, फिर क्या दोगे बाबा को? जो कुछ देखते हो वो तो रहना नहीं, फिर वो बाबा को देने का क्या फायदा हुआ? ये तो पुरानी छी छी दुनिया है। तब तो तुम मुझे बुलाते हो, बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं। इस खेल को याद करना चाहिए, इस खेल को याद करना चाहिए। मेरे में रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज है, आदि मध्य अंत की नॉलेज है, जो तुमको सुनाता हूं तुम अब सुनते हो फिर भूल जाते हो, फिर भूल जाते हो। 5000 वर्ष के बाद फिर चक्कर पूरा होगा। तुम्हारा पार्ट इतना लवली है, तुम्हारा पार्ट क्या है?
इतना लवली है, कितना लवली है, तुम सतो प्रधान वा लवली बनते हो, सतो प्रधान बनते हो। सतो प्रधान बनना माना प्यारे बनना, किसके प्यारे बन जाते हैं, शिव बाबा के। फिर तमो प्रधान भी तुम ही बनते हो, सतो प्रधान भी तुम बनते हो और फिर तमो प्रधान भी तुम ही बनते हो। तुम ही बुलाते हो, बाबा आओ, बाबा आओ, अब मैं आया हूं। अगर निश्चय है तो श्री मत पर चलना चाहिए, निश्चय है तो बाबा कहते मेरी श्री मत पर चलना चाहिए, गफलत नहीं करनी चाहिए। कई बच्चे मत भेद में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, श्री मत पर नहीं चलेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा, ना पास भी तुम ही होंगे, फिर फेल हो जाएंगे। बाप तो कहते हैं अपने पर रहम करो, हर एक को पढ़कर अपने को राज तिलक देना है, खुद देना है राज तिलक, बाबा नहीं लगाएगा। हर एक को पढ़कर अपने को खुद राज तिलक देना है, बाप को तो पढ़ाने की ड्यूटी है, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। फिर तो सभी पर आशीर्वाद करनी पड़े, एक पर आशीर्वाद करें तो मेरे लिए तो सारे बच्चे बराबर हैं, फिर तो सब पर आशीर्वाद करनी पड़े। ये कृपा आदि भक्ति मार्ग में मांगते हैं, गुरु जी का हाथ पकड़कर सिर पर रख लेते हैं, बस बाबा अब आप ये हाथ नहीं उठाना, मैं आपके खजाने में पैसे भेजता जाऊंगा। यहां वो बात नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर एक, प्रवृत्ति में रहते, परिवार में रहते आपस में रेस करनी है, परंतु अगर किसी कारण से एक पहिया ढीला पड़ जाता है तो उसके पीछे खुद नहीं ठहर जाना, स्वयं को राज तिलक देने के लिए लायक बनना है। नंबर दो, शिव जयंती बड़ी धूमधाम से मनानी है, क्योंकि शिव बाबा जो ज्ञान रत्न देते हैं उससे ही तुम नई दुनिया में माला माल बनेंगे, नई दुनिया में माला माल बनेंगे, तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। वरदान, बाप से शक्ति लेकर हर परिस्थिति को हल करने वाले साक्षी दृष्टा भाव। बाप से क्या लेनी है, शक्ति। फिर कैसी भी परिस्थिति हो, हम हर परिस्थिति हर समस्या का समाधान करने वाले, हल करने वाले साक्षी दृष्टा। हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं, कोई दुख की बात है तो भी ठीक है, सुख की बात है तो भी ठीक है, हमने समस्या का समाधान कर देना है। आप बच्चे जानते हो कि अति के बाद अंत होता है, अति जब होती है तब अंत होता होना है, तो हर प्रकार की हलचल अति में होगी, परिवार में भी खिटखिट होगी, परिवार में खिटखिट होगी, मन में भी अनेक उलझने आएंगी, और धन भी नीचे ऊपर होगा, लेकिन जो बाप की
साथी हैं। कौन होते हैं साथी? कौन होते हैं साथी? जो बाबा की श्रीमत अनुसार बाप के कार्य में सहयोगी बनते हैं, खुद भी पावन बनते औरों को भी पावन बनाते हैं। पावन बनाने में सहयोगी बनेंगे ना, वो साथी होंगे। सच्चे हैं, उनका जवाबदार बाबा है, उनका जवाबदार बाबा है। ऐसे समय पर मन बाप की तरफ जाना चाहिए, मन बाप की ही तरफ जाना चाहिए। मन की तरफ हो, ऐसे समय पर मन बाप की तरफ हो तो निर्णय शक्ति बढ़ जाती है। तो निर्णय शक्ति क्या होती है? बढ़ जाती है। निर्णय शक्ति सब पार कर सकेंगे, निर्णय शक्ति को पार कर सकेंगे। साक्षी दृष्टा हो जाओ तो बाप की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज हल कर लेंगे। साक्षी दृष्टा हो जाओ तो बाप की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज हल कर लेंगे। स्लोगन है, अब सब किनारे छोड़ घर चलने की तैयारी करो। सारे किनारे क्या करो? छोड़ दो और घर चलने की तैयारी करो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।